मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का ईद के मौके पर भोपाल में ईदगाह पर नमाज की दुआ पढ़ने को लेकर बीजेपी ने नया नाम राजगढ़ी चचा जान दिया है। तो दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे दोहरा चरित्र बताते हुए कहा कि एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ नमाज की दुआ करते हैं, कोई एक लाइन तय करनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, दिग्विजय हाथ जोड़कर दुआ नहीं करेंगे तो तुष्टिकरण कैसे होगा और तुष्टिकरण नहीं होता तो कांग्रेस में कैसे रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी एक्स पर पोस्ट किया और दिग्विजय पर निशाना साधा। दरअसल दिग्विजय सिंह ईद के मौके पर भोपाल की ईदगाह पर नमाज के दौरान पहुंचे थे और नमाज के दौरान दुआ करते हुए नजर आए और जिसके बाद बयानबाजी तेज हो गई है। ऐसे खाटी कांग्रेसी जिनने देश सेवा के लिए कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन मन में निराशा है, हताशा है और खासकर अति तो तब हो गई जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं। एक तरफ मंदिर का विरोध करते दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो, और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहा है, धमका रहे हैं और डर के मारे खुद भी 400-400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन जनता माफ़ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। राहुल गांधी हो, जिन लोगों ने इस देश के अंदर राम का अपमान किया है, जिन लोगों ने इस देश के अंदर भारत की संस्कृति को अपमानित किया है, जिन लोगों ने इस देश के भारत के मान बिंदुओं पर प्रहार किया है, जिस देश के अंदर जिन इस प्रकार के कांग्रेसियों ने आतंकवाद का समर्थन किया है, ऐसे दिग्विजय सिंह हो या कोई भी हो, इस बार सारे गुलामी के प्रतीक को मोदी जी ने समाप्त कर दिया देश के अंदर।